हेलो गाइज, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मिठी। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और साथ में जो इसकी मोबिलिटी इंडेक्स है उसके बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फाउंडेड इन जनवरी 1971। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1971 में फाउंड किया गया था। इट इज़ अ कॉलोनी जिनेवा बेस्ड, स्विट्जरलैंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इसका ऑब्जेक्टिव था टू इम्प्रूव द स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो स्टेट्स हैं उनकी इकोनॉमी किसी तरीके से इम्प्रूवमेंट हो। काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड लोग इसके पास हैं और इसे फॉर्मली कहते थे यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपनी पहली है ना ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट के साथ आया है। सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट ये बताती है, बेसिकली ये ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स के नाम से आई थी, जिसके अंदर रिपोर्ट भी आई थी, तो इंडेक्स के साथ एक रिपोर्ट भी आई थी। और कुछ ही इसमें से निकला था, कुछ ही कंडीशंस ऐसी, कुछ ही नेशंस ऐसे थे जो कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट इन्होंने किया है और काफ़ी कुछ सोशल मोबिलिटी को प्रमोट करने की कोशिश की है। ये नेशंस के बारे में बताया गया है। देखो, सोशल मोबिलिटी एक होती है एब्सोल्यूट सोशल मोबिलिटी, एक होती है रिलेटिव सोशल मोबिलिटी। एब्सोल्यूट सोशल मोबिलिटी होती है कि किसी भी बच्चे की एबिलिटी कि वो अपनी पेरेंट्स की लाइफ से बेटर कैसे जी सकता है। रिलेटिव सोशल मोबिलिटी होती है कि किसी भी इंडिविजुअल के आउटकम को उसका समाज, उसका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। जैसे कि मैं अगर कुछ भी काम करता हूँ तो मेरा क्या बैकग्राउंड है, क्या मैं इतना पढ़ लिखा हूँ, क्या मेरे लोग जो मैं, मेरे पेरेंट्स हैं वो कंजर्वेटिव हैं या उनकी पुरानी सोच है या क्या सोचते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होता है। सोशल मोबिलिटी होती है कैसे इसका इम्पैक्ट, इसका असेसमेंट देखना इस इम्पैक्ट का। इट नीड्स टू बी नोटेड दैट द कंसेप्ट ऑफ सोशल मोबिलिटी इज़ मच ब्रॉडर देन जस्ट लुकिंग एट इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी से कई परे है ये कंसेप्ट सोशल मोबिलिटी का। इन इकोनॉमी सच एज चाइना एंड इंडिया, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन लिफ्ट इंटायर पॉपुलेशन अपवर्ड इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट इनकम। चाइना और इंडिया की जैसी अर्थव्यवस्थाएँ की बात करें तो वहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उनसे लगता तो यही है और होता भी है कि जो इंटायर पॉपुलेशन है उनकी इनकम काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है, लेकिन इंडिविजुअल का स्टेटस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अभी भी जो है सेम रहता है। जिस तरीके से आप देखेंगे भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी, लेकिन जो हमारे लोग हैं, जो गरीब तबकों के लोग हैं, वो अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। उनका इतना योगदान इस ग्रोथ में नहीं रहा क्योंकि इनइक्वालिटी ज़्यादा है। मतलब मैं कहूँ अगर 1% लोग भारत में 70% इनकम कंट्रीब्यूट करते हैं या 70% इनकम उनके हाथों में होती है, तो देश अगर बढ़ता है तो उसमें ग्रोथ में 70% हिस्सा भी उस 1% लोगों का ही है। तो कलने को अगर इकोनॉमी $5 trillion की इकोनॉमी बन जाती है अपनी, तो उसमें 70% हिस्सा जो होगा, 70% जो इनकम बढ़ी हमारी, जितना ज़्यादा डॉलर ऐड होता गया, 70% पैसा अमीरों के पास और 1% लोगों के पास जाता गया। ये चीज़ इनइक्वालिटी की बात यहाँ पे हो रही है। और सोशल मोबिलिटी क्या है कि जो लोग थे जो इस इनइक्वालिटी को फेस कर रहे थे, अब उनमें क्या योग्यता है कि वो अपने पेरेंट्स से बेटर जिंदगी जी सकते हैं, वो इनइक्वालिटी को तोड़ के आगे निकल सकते हैं। तो सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 82 इकोनॉमीज में ये असेसमेंट किया गया, 82 रैंक हमारी काफ़ी ज़्यादा ख़राब आई है, 76 हमारी रैंक आई है। तो 82 इकोनॉमीज़ में काफ़ी ख़राब है। ऐसे 10 पिलर पे असेसमेंट होता है इसका, लेकिन 5 डायमेंशंस हैं सोशल मोबिलिटी की: हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, वर्क प्रोटेक्शन एंड इंस्टीट्यूशंस, जिसमें आपके सोशल प्रोटेक्शन आ गया, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस आ गए। तो ये 5 की डायमेंशंस हैं, इनके बारे में आपको पता रहना चाहिए। टॉप परफॉर्मर्स आपके नॉर्डिक जो नेशंस होते हैं वही होते हैं, जैसे कि डेनमार्क पहला आ गया आपका, दूसरा नॉर्वे, फिर फिनलैंड, फिर स्वीडन। पॉइंट सबसे ज़्यादा 85 मिले हैं डेनमार्क को, इसलिए पहले स्थान पर भी यही है, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड। ठीक है, G7 इकोनॉमीज़ की बात करें तो जर्मनी सबसे ज़्यादा सोशली मोबाइल है और इसकी रैंक टोटल 11th आई है। उसके बाद फ्रांस की 12th पोजीशन आई है। ब्रिक्स की बात करें तो अपने ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका में चाइना सबसे आगे हैं, सबसे लास्ट में साउथ अफ्रीका है ना, तो रशिया के बाद
चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर इंडिया, फिर साउथ अफ्रीका। देखो चाइना की रैंक 45th आई है, ब्राज़ील भी हमसे आगे हैं और रशिया भी हमसे कितना आ गया। तो ये ब्रिक्स कंट्रीज़ की रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए। इंडिया की तो 76 है, ये आपको पता होनी चाहिए। टोटल कितनी थी, 82 इकोनॉमीज थी। और डायमेंशंस आपको याद रखने ही हैं, हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, वर्क, प्रोटेक्शन एंड इंस्टीट्यूशंस। इंडिया की परफॉर्मेंस 76th रैंक है, बहुत बेहद ख़राब है और उन पाँच कंट्रीज़ में से हैं। लेकिन अच्छी बात यह कि उन पाँच कंट्रीज़ में से हैं जो कि सोशल मोबिलिटी स्कोर उनका बेटर था पहले से। तो रिपोर्ट की फाइंडिंग्स कुछ उनमें बात कर लेते हैं। देखो जैसे कि जो सबसे ज़्यादा गेन हुआ है, जिनकी सोशल मोबिलिटी इंक्रीज हुई है, एक है सोशल मोबिलिटी कितनी है, औरों से कंपेयर में कम है। लेकिन अगर उसका पास्ट देखें कि अपने भविष्य, अपना काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उसने किया है लेकिन अभी भी पीछे हैं, तो उनकी बात हो रही है। चाइना, US, इंडिया, जापान, जर्मनी, रशिया, ऐसी कंट्रीज है जो कि सोशल मोबिलिटी में काफ़ी इंक्रीज हुआ है, तो इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इनको मिला है। सोशल मोबिलिटी स्कोर से इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है। सोशल मोबिलिटी 10% भी बढ़ती है ना, तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है और इकोनॉमी का 5% बेनिफिट होएगा 2030 तक, अगर सोशल मोबिलिटी बढ़ती है तो 10% भी। इस बेनिफिट की बात कर रहा हूँ। ये रिपोर्ट बात करती है स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म की भी, और स्टेट कैपिटलिज्म को भी कंपेयर करती है। और ये कहती हैं कि जो इकोनॉमीज़ शेयर होल्डर वैल्यू मैक्सिमाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान देती हैं, कि शेयर होल्डर पे ज़्यादा फोकस करके चलती हैं, वो परफॉर्मेंस उनका कम रहा है। स्टेट कैपिटलिज्म वालों का परफॉर्मेंस कम रहा है और स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म वालों का काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस रहा है। बैकग्राउंड बात कर लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम इसको कहा करते थे, 1971 में फाउंड हुआ था ये। इसका नाम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया था 1987 में। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट सुलझाने के मकसद से ये प्लेटफॉर्म बना था, एक विजन था। 1971 में जो इसके डायरेक्टर थे, जो फाउंडर थे, उन्होंने वेस्टर्न यूरोपियन फर्म से 4444 एग्जीक्यूटिव्स को बुलाया था मीटिंग में कि आप देखो किस तरीके से काम हो रहा है। वो मीटिंग आज बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि बहुत खरबपति अरबपति लोग आते हैं। पहली मीटिंग जो हुई थी वो यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अंडर हुई थी। फिर धीरे धीरे जो है इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड का इन्वेंशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड बनाया गया एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ध्यान रखना फंड नहीं है यहाँ पे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बनाया गया एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एनुअल मीटिंग धीरे धीरे होती गई। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो हमारा बना, आप जानते हैं कि 2019 में हर साल दावोस में होती है इसकी एनुअल मीटिंग। 2019 में ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट ने इसको अटेंड करके अपनी पॉलिसीज़ बताई थी। उन्होंने ये भी कहा कि ब्राज़ील जो है वो रेनफॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बात की गई थी। इंडिया की बात करते हैं पर्टिकुलरली। देखो इंडिया की मैं बात करूँ, अब ऑर्गेनाइजेशन को कई सारी कंट्रीज़ ने ज्वाइन कर रखा है। 2018 में पीएम मोदी ने भी अटेंड किया था एनुअल मीटिंग, और भारत से पहले स्टेट हेड ऑफ द स्टेट थे जिन्होंने अटेंड किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इन्होंने स्पीच दी जैसे कि 2019 में ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट ने दी थी, मोदी जी ने दी ग्लोबल वार्मिंग पे, टेररिज्म पे, प्रोटेक्शनिज्म पे, तीन चीज़ों पे दी थी। स्ट्रक्चर किस तरीके का है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, देखो इसका हेडक्वार्टर कॉलोनी स्विट्जरलैंड में है, ये आपको याद रखना है। इसके ऑफिस न्यूयॉर्क में, बीजिंग में, टोक्यो में भी है। एनजीओ के तौर पे डिज़ाइंड है, इंटरनेशनल बॉडी का स्टेटस मिला हुआ है स्विस फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके फाउंडर है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी है प्रोफेसर क्लॉस स्वाब, मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आई हो तो माफ़ कर देना। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ बने हुए हैं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ इस फोरम के अंदर, उसमें बिजनेसमैन भी है, पॉलिटिशियन भी है, सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं, तो एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी भी इसके अंदर है। मैनेजमेंट बोर्ड भी है एक, जो मैनेजमेंट संभालने वाला होता है ना, तो उसको चेयर करने वाले प्रेसिडेंट है। और मैनेजमेंट बोर्ड ही है जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पे काम करता है, भाई काम वाम डिसीजन ले लिए मैनेजिंग बोर्ड के द्वारा, अब इम्प्लीमेंट भी मैनेजिंग बोर्ड ही करेगा, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पे भी खुद ही काम करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आप देखोगे पैसा कहाँ से आता है, 1000 मेंबर कंपनीज है जो कि इसको फंड देती हैं और 5 बिलियन डॉलर्स का टर्नओवर, मतलब जो ग्लोबल एंटरप्राइजेज हैं, फंड कौन कौन सी देती हैं, जिनके पास काफ़ी पैसा है, 5 बिलियन डॉलर्स के टर्नओवर हैं उनके, वो देती हैं। तो
तो एंटरप्राइजेस बेसिकली काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और उनकी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा इनकी अच्छी रैंक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टेटस है और वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को लीड करती हैं। तो गाइज़ ये थी हमारी वीडियो और ये बहुत खुशी की बात है कि आप देखेंगे जो कंपनीज़ हैं जो $5 बिलियन के ऊपर इनके टर्नओवर है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को चला रही है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आके क्लाइमेट चेंज पे बात करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्लाइमेट चेंज पे काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस फैला रहा है। तो काफ़ी खुशी की बात है कि अगर इस तरीके से सिविल सोसाइटी मिलके कॉर्पोरेट सेक्टर मिलके काम करेगा तो गाइस ये थी हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारे कई करंट अफेयर्स कई कोर्सेज हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उन कोर्सेज का। NCERT पे भी आते हैं, वेरियस सब्जेक्ट्स पे भी आते हैं, बहुत ही चीप कॉस्ट हमने उसकी रख रखी है, तो आप एक बार हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। गॉड ब्लेस यू ऑल।